उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या पहनना है। हाँ जी, तो बहुत ड्राई वेदर हुआ हुआ है, तो मैं ये वाला जो है ना बॉडी बटर लगाऊंगी। ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे फ्रॉम जॉर्डन, और ये जो है वो डेड सी के मिनरल्स हैं इसमें, और ये देख सकते हैं इतनी ड्राइनेस हुई हुई है पैरों और हाथों पे। तो मुझे था कि मैं ये लगा लेती हूँ, और इसकी एक्सपायरी 2013 में है। पहले मैं इसे खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो ये मैंने खोल लिया है, आप देख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे जैसे फोम फोम टाइप होता है ना, जैसे मूज होता है उस तरह का ये बॉडी बटर है। एंड इसका फ्रेग्रेंस बताती हूँ मैं, लाइक ऐसे डिफरेंट है, वैसा नहीं है जैसे बॉडी शॉप का होता है ना, बहुत स्ट्रांग उनके जो है वो फ्रेग्रेंसेस होते हैं। इसका ऐसा सच नहीं है, मैं इसे आज फर्स्ट टाइम, मैंने एक आध बार शायद पहले ही देख सकते हैं यूज़ किया, वैसे इस तरह मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे याद नहीं इसका रिजल्ट कैसा होगा। तो अभी मैंने ये अपने हाथों और पैरों पर यूज़ करना है। वैसे तो मैं नाइट क्रीम अपने हाथों पैरों पर रात को लगाती हूँ जो मेरा जो है हाथ पैरों वाली है, लेकिन आज आई वॉज थिंकिंग टू ट्राई दिस वन। मैंने थोड़ी सी ली है, ड्राई हो जाते हैं ना पैर और हाथ इन विंटर्स में, स्पेशली जो नया नया स्टार्ट होता है ना। अभी आप ना जराबे पहन सकते हैं इस तरह, और थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी सी गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो मुझे था कि चलो मैं ये आज लगाती हूँ कि मुझे जाना है, मेरे पैर मुझे ड्राई फील हो रहे थे बहुत ज़्यादा। थोड़े बहुत यहाँ पर फेशियल हेयर हैं, यहाँ पर मैं इनको रिमूव कर दूँगी और फिर आई विल गेट रेडी। पैर मेरे बिल्कुल ड्राई हुए हुए हैं आजकल, सीरियसली मुझे फील होता है मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही अपना। अब इसी तरह ये मैं अपने हाथों पे लगाऊंगी। हाँ जी, तो ये वाला जो मेरा क्लच है, लेट मी टेक इट आउट, ये वाला मैंने आज जो है वो यूज करना है। सो ये मैंने निकाल लिया है, यही वाला ड्रेस मैं पहनूंगी। आप लोगों को याद होगा ये जो मार्च में मेरे फैमिली में शादी थी तब मैंने ये सिलवाया था अपने लिए, सो आई एम थिंकिंग कि मैं यही वाला ड्रेस। हाँ जी, तो ये जो गिफ्ट है ये मैंने रैप कर दिया है अभी, और मेरे हस्बैंड इधर नाम शाम अभी लिख देंगे, सो गिफ्ट भी रेडी हो गया है, बस अभी थोड़ी देर तक निकलते हैं। हाँ जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम बस निकल गए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं, और वलीमा सेरेमनी है, और मैं देखूंगी अगर मैं कुछ दिखा सकी, अदरवाइज मैं प्रॉमिस नहीं करती। लेकिन बस ये वाले कपड़े मैंने पहन लिए थे और मैं रेडी हो गई हूँ, अगर हुआ मैं अगर कोई पिक्चर ली वहाँ पर सो आई विल शेयर विद यू ऑल, और बस अब चलते हैं। हाँ जी, तो हम गलत जगह जो है वो मुड़ गए थे, अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर शादी पे, यहाँ पर एक जगह है इट्स कॉल्ड टोपी रख कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर जो है वो शादी है। हाँ जी, तो शादी हो गई, मींस वलीमा था और हम अटेंड करके, तो अभी जा रहे हैं भैरियाटा, और बड़ा मज़ा आया, लेकिन वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकती, यू नो हर एक की प्राइवेसी होती है, और वो ऐसी शादी थी भी नहीं बहुत करीबी, तो अभी मैं जा रही हूँ बहरिया टाउन, और थोड़ा बहुत मुझे था चाय पी लेते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, और उसके बाद मैं जाऊँगी घर। हाँ जी, तो मैं शादी से जो है वो आ गई हूँ वापस, तो
बंदा शादी से वापसी में बहुत थक जाता है, तो मैंने कहा मैं थोड़े से आप लोगों को अपने कपड़े दिखा दूं। तो ये जो है वो मेरा ड्रेस था, आप लोगों को याद होगा कि ये वाला ड्रेस जो है वो मैंने मार्च में सिलाया था जब मेरी इन लॉज में शादी थी, और वही ड्रेस मैंने पहना था। साथ में ये वाले जो है ये क्लच है, एंड ये वाले मैंने शूज़ पहने हैं, और अच्छा था, वी इंजॉयड। और ये वाला जो है मेरा मास्क जो है वो गाड़ी से निकला, खाड़ी से मैंने लिया था। और ये जो शर्ट है ये ग्रे कलर की है, इसमें बहुत प्यारी जो है वो फुली एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसका जो दुपट्टा है मैं आपको दिखा दूं, ये भी नेट का है, और इसके ऊपर छटा डला हुआ है, और इसके कॉर्नर्स पे जो है ये लटकन लटकी हुई है। और ये जो जूते हैं ये मैंने लिए थे फ्रॉम सिग्निया, तो ये वाले मैंने पहने थे क्योंकि ग्रे थे, और नेल पॉलिश जो है वो मैंने लगाई थी ग्रे एंड ब्लू। हाँ जी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आप लोगों से मेकअप शेयर कर लेती हूँ। मैंने स्मोकी आईज बनाई थी और ब्लश लगाया था, और अपना जो मेरी टिपिकल ए की लिपस्टिक है मैं आपको दिखाती हूँ, जो मेरी देवरानी ने इस दफ़ा मेरे लिए लिपस्टिक भेजी थी, तो वो वाली मैंने लगाई थी, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब मुझसे क्वेश्चन आएंगे लिपस्टिक के, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इट इज़ हुदा ब्यूटी का जो है ये वाला लिपस्टिक का है कलर, एंड इट्स का नाम है डैमी में मैट, आई थिंक इसका यही नाम है, आई डोंट नो, मैंने इसका जो है रैपर फेंक दिया था। खैर मैं इधर नाम ले देख के पढ़ के तो बता दूंगी, क्योंकि मुझे जो है ना नाम नहीं याद होते, और मेरी जो ग्लासेस हैं वो पड़ी हैं मेरे साथ, मैं ग्लासेस लगा के पढ़ के बताती। हाँ जी, तो मैं ज़रा ग्लासेस अपनी लगा लूँ, मेरी आई साइड वाली, मुझे किसी ने कहा था आई साइड की ग्लासेस लगा के भी आप हमें दिखाइए कि आप कैसे लिखती हैं, पूरा मुंह नहीं दिखा सकती, आई एम नॉट कम्फर्टेबल, असल में बात ये कि मैं कम्फर्टेबल नहीं होती। तो इस लिपस्टिक का नाम है फेमिनिस्ट, आई थिंक फेमिनिस्ट इज द नेम ऑफ दिस लिपस्टिक। तो ये वाली लिपस्टिक मैंने लगाई है, अभी तो खैर काफ़ी मिट गई है क्योंकि मैं शादी उन्होंने गुजार के खा पी के तब आई हूँ। हम गए थे बैरिया टाउन, अभी मैं थोड़ा बहुत आपको अपडेट कर दूँ कि चाय पीने के लिए, लेकिन वहाँ पर हमें कोई जगह चाय के लिए नहीं मिली, तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो घर चलते हैं, घर जा के ही चाय पी लेते हैं। तो अभी मैं घर आई हूँ, तो माई डॉटर इज़ मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी, एंड मुझे था थोड़ा बहुत अपडेट कर दूँ। हाँ जी, ये नेल पॉलिशेस मैंने पहनी थी, इयररिंग्स मैंने पहने थे, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने उतार दिए क्योंकि बहुत हैवी हैं, अभी मैं आदत नहीं है मुझे इयररिंग्स पहनने की, तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि चुभ रहे हैं। मैंने जो इयररिंग्स पहने थे वो ये वाले पहने थे, मैं तस्वीर शेयर कर दूंगी, ये वाले नेल इयररिंग्स मैंने पहने थे इसके साथ मैचिंग। मेरे पास असल में गोल्ड की ज्वेलरी है, लेकिन वो मैचिंग ब्लू में थी, लेकिन वो इस तरह हैवी शादियों वाली नहीं थी, तो मुझे था कि चलो मैं इसके साथ यही पहन लेती हूँ। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने पहने थे, बहुत प्यारे इयररिंग्स हैं, बट दे आर वेरी हैवी, कुंदन के हैं, आई थिंक इसको कुंदन ही बोलते हैं, तो ये कुंदन के हैं, लेकिन बहुत प्यारे मेरे जो हैं ये वाले इयररिंग्स हैं। तो मैंने ये वाले पहने हुए थे इसके साथ, और आई वॉज़ वेयरिंग दीज गोल्ड बैंगल्स, और दूसरे हाथ की भी मैं आपको तस्वीर दिखा दूंगी, क्योंकि अभी मेरे हाथ में कैमरा है, मैं नहीं दिखा सकती। तो बस मज़ा आया, हमने इंजॉय किया, वहाँ पे मुझे कुछ लोग मिले जिनको मैं जानती थी, उनके साथ बैठी, मैंने काफ़ी गप्पे मारी, और खाना वॉज वेरी गुड, बहुत मज़े का खाना था, दूल्हा दुल्हन बड़े प्यारे थे। और कुछ नहीं, बस फिर हम तकरीबन मैं घर से निकली थी 1 बजे, और मैं वापस अभी आई हूँ तकरीबन कोई 5 बज रहे हैं। बस अभी मैं पीऊँगी चाय, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, और ये शूज़ मैं उतारूँगी क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ वेयरिंग सच हील्स, तो मुझे तो बिल्कुल ही फ्लैट चप्पल पहनने की आदत है, मुझसे तो हील में चला भी नहीं जाता, मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा किया है, लेकिन शुक्र है बस अभी मैं आई हूँ, तो बस अभी जूते शूते उतारेंगे और चाय पीते। बस अभी जो है ना ये वाले मैं उतार रही हूँ, थोड़ा सा अपने पैरों को रिलैक्स करूँ, बिकॉज एक तो आदत नहीं है मुझे इतनी हील्स पहनने की, तो उससे ये होता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं किस पहाड़ पे चढ़ के वापस आई हूँ। और बहुत कंफर्टेबल शूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि ये बहुत थकाने वाले, लेकिन कंफर्टेबल शूज़ हैं मेरे, लेकिन फिर भी बंदा थक जाता है। मैं ज़रा दूसरा उतार, हाँ जी, तो ये मैंने उतार दिए जूते और हो गए हैं हम थोड़े से रिलैक्स। और ये रिंग जो है, ये वाली रिंग मैंने ऑटोमन ज्वेलर से ली थी, और ये मेरी गोल्ड की रिंग्स हैं, तो बस जो मेरे हाथ लगी हूँ मैंने पहन ली, क्योंकि कल जो है मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया था, मैं बिल्कुल ही भूल गई, तो पहले मैं शादी के लिए इतनी तैयारियाँ करती थी, अभी मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था, बस मैंने एक लिपस्टिक लगाई, सॉरी नेल पॉलिश लगाई है, और बस तैयार होकर मैं चली गई थी। तो अभी मैं पीती हूँ चाय।